7 मार्च को देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जबलपुर और दमोह में आगमन होना है। उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर रेंज के आईजी भगवत सिंह चौहान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर और दमोह आगमन को लेकर पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक ली गई। बैठक में आईजी भगवत सिंह चौहान ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। आईजी भगवत सिंह चौहान ने कहा कि महामहिम के आगमन को लेकर बीते 1 सप्ताह से लगातार पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के जबलपुर दौरे पर करीब जिले एवं जिले के बाहर से आए हुए 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता पर लापरवाही ना बरती जाए। आईजी भगवत सिंह चौहान ने सभी पुलिस अधिकारियों को साफ लफ्जों में समझाइश दी है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो उसका खामियाजा पुलिस अधिकारी को भुगतना होगा। माँ नर्मदा की महाआरती और दमोह के कार्यक्रम में शामिल होने 6 एवं 7 मार्च को जबलपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आगवानी पर राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्री जबलपुर में रहेंगे। यस जी, आगामी 6 और 7 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन जबलपुर शहर में हो रहा है। उसकी व्यवस्था को देखते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा और मेरे द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसकी अभी कंट्रोल रूम में पहली बैठक है। ये अभी प्रत्येक स्पॉट का विजिट हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। डेली पिछले सप्ताह से संवेदनशील स्थानों की चेकिंग जारी है। जो स्पॉट है उनका एंटी सबोटेज चेक लगातार जारी है और इस व्यवस्था में लगभग 1.5 से 2 हज़ार के बीच में हमारा फोर्स तैनात है और लगभग DIG रैंक के SP रैंक के करीब 20 ऑफिसर और एडिशनल SP और DSP रैंक के करीब 40, ऐसे 60 अधिकारी करीब हमारे ड्यूटी में लगे हैं। और अभी प्राथमिक तौर पे सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने लगा ली हैं। विधिवत कार्यक्रम भी आज जारी हो गया है और इसके अलावा माननीय गवर्नर मैडम, मुख्यमंत्री महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरे देश भर के कई प्रांतों के माननीय हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान, जुडिशियल एकेडमी के जज साहिबान, यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्निटीज हमारे शहर में आ रही हैं। उसको देखते हुए हमारी नियमित रूप से होटल, लॉज, धर्मशालाएँ, आसपास की चेकिंग और जो स्थल उनके रुकने के हैं, जो कार्यक्रम स्थल हैं, उन सभी के लिए हमने अपने नोडल ऑफिसर तैनात किए हुए हैं और लगातार हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनके साथ भी हमारी पूरी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर स्थित कोचिंग डिपो में निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी और कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबलपुर के कोचिंग डिपो में रेलवे के कोच की मेंटेनेंस का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया है। इस कंपनी के द्वारा 14,000 रुपए प्रति माह वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और उनसे काम लिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उन्हें वेतन के नाम पर महज 8,000 रुपए ही भुगतान कर रही है। शेष राशि विभिन्न मद के नाम पर काट लिए जाते हैं। इसके साथ ही अभी तक कंपनी ने उन्हें कोई भी नियुक्ति पत्र और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं कंपनी के अधिकारियों के सामने रखी लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार शिकायत करने पर कंपनी के अधिकारी उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। इस वजह से तंग आकर हड़ताल करने का निर्णय लेना पड़ा। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब
तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। निजी कर्मचारियों ने काफी देर तक नारेबाजी की और इसके बाद कंपनी और रेलवे के अधिकारियों ने आकर उन्हें एक बार फिर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। किया जा रहा है WCR हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार के सही न्याय नहीं करता। हम 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा इस तरह शोषण किया जाता है। जो सैलरी बताई जाती है वो सही समय पे ना सही दी जाती है। जिस प्रकार हमने अब निर्णय लिया है कि जो हमारी वाजिब सैलरी है और जो वाजिब पैसा है हमें हमारा टाइम पर और पूरा मिले, इसमें पूरा स्टाफ शोषण कर हमारे पूरे स्टाफ का शोषण करके सारे अधिकारियों द्वारा हमारा हमसे काम करवाया जाता है। क्या काम करते हैं आप, क्या सैलरी बेस पर रखा गया था? हमारा सैलरी बेस हमको 8,000 रुपये बेसिक और 400 रुपये पर दिन के हिसाब से TADA के रूप में रखा गया था। ये हमारे को 14,000 रुपये भी बोला गया था और काम चालू करवाया गया था। बोला था कुछ समय बाद आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, मगर काम हमने करते हुए देखा कि कंपनी ना हमारा PF काट रही है 25%, ESI काट रही है 550 रुपये। ये किस प्रकार का न्याय हो रहा है हमारे साथ? हमारे हाथ में मुश्किल से 4,000 से 8,000 रुपये बस आता है, वो भी टुकड़ों में आता है, उसके अलावा कोई पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। अब हमारी मांगे हैं कि 8,000 हमारा बेसिक पूरा मिले, हमारे को सैलरी स्लिप दी जाए, ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाए, ESI कार्ड दिया जाए और UNA नंबर अलॉट किया जाए। इसकी शिकायत हमने SSC सीनियर कुल्लू सर को शिकायत की थी, मगर उन्होंने 10 दिन का प्रावधान मांगा। उस 10 दिन के प्रावधान में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने ये प्रावधान इसलिए मांगा क्योंकि आश्वासन दिया हमें झूठा और हमारे को हटा करके ऑल स्टाफ को ट्रेनिंग अदर स्टाफ को जी तो हम इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। हम लोग 40 स्टाफ हैं पूरे। मेरा नाम संजय कुमार काची, मैं ऑल इस पावर का स्टाफ को लीड करता हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए संदेश दिया गया। बुधवार की सुबह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर के सामने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर एक वाहन रैली को रवाना किया। आयुष्मान कार्ड योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए यह वाहन रैली ने शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया और वापस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर समाप्त हुई। केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है, लेकिन इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी है। लोगों में इस कार्ड को बनवाने के लिए जागरूकता लाई जाए, इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश गणों का मानना है कि देश में बेहतर इलाज सुविधाएं उपलब्ध हो और इनका लाभ निचले और गरीब तक निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इसलिए न्यायाधीशों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। जजों ने बताया कि इस तरह का जन जागरूकता अभियान जल्दी ही दूसरे शहरों में भी प्रारंभ किया जाएगा और आम लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ के संबंध में जानकारी दी जाएगी और इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा। महोदय के श्री रफीक मोहम्मद साहब के निर्देशन में एवं ऑनरेबल जस्टिस श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में हम लोग एक ये आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एक मुहिम और मोटिवेशन के लिए जारी करना चाह रहे हैं। आज हमारी पूरी ये टीम जो है यहाँ पर निकलेगी और लोगों को जागृत करेगी और इस मामले में उन्हें प्रोत्साहित हम करना चाहते हैं कि वो आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि हमारे जो गरीब जो लोग हैं वो उससे लाभान्वित हों। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी कभी यदि हो तो उनको तत्काल जो सुविधा मिल सके, आयुष्मान कार्ड बनेगा तो उन सबको सुविधा मिलेगी। हमारा लीगल जो विधिक सेवा केंद्र है जो यहाँ का, वो इसको प्रायोजित कर रहा है। हमारी श्रीमती गिरिवाला सिंह मैडम जो यहाँ की मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके गाइडेंस में ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे हमारा अनुरोध है जिला जज के नाते और डालसा के चेयरमैन होने के नाते कि सब लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सब लोगों को प्रेरित करें। थैंक यू। नवीन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। क्या प्रयास जारी रहे? देखिए, वाहन रैली जो आज निकाली गई है ये इसका पर्पस है जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में। ये जो आयुष्मान योजना है
ये गरीब लोगों को कम से कम पैसे में या मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है कि आप अपना कार्ड बनवाएं और इस लाभ, इस योजना का लाभ। सर ऐसे में बहुत से जगह बहुत से लोग जा रहे हैं, लिंक नहीं मिलती, उल्टे आपका 2008 से जुड़ा है ना, और जो अभी 12 से जुड़ा है 11, तो उनके नहीं बन पा रहे हैं। ये एक परेशानी ज़रूर है कि जिनका नाम 2011 की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनाना वर्तमान में संभव नहीं है। ये बात जो है ये प्रशासन को भी कम्युनिकेट कर दी गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, और हम सब लोगों ने कम्युनिकेट किया था कि जिनका 2011 में नंबर नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनाना संभव नहीं। सर अभी भी परेशान इस बात को लेकर के आयुष्मान कार्ड बनने, कोई भी लोक सेवा केंद्र में जाके आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जितने भी CST हैं हमारे इसमें आप जाके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उसके अलावा अब हमने जो इस माह शुरू किया है कि एक पूरे माह घर घर जाके ऐसे लोगों का चयन करना कि जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है उन्हें लाएं, और एक कैंप के उसमें माध्यम से उनका आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिले। जबलपुर क्राइम ब्रांच जबलपुर और थाना आधारताल पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरे सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। वह दोनों जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम देते थे और उसके बाद मौके से फरार हो जाते थे। आधारताल थाना और पनागर थाना क्षेत्र में समर और विनोद नाम के दोनों सगे भाई द्वारा लूट करते हुए दो लोगों से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही पुलिस इन दोनों शातिर लुटेरों की तलाश कर रही थी। आधारताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच में टीम बनाकर शातिर लुटेरों की पतासाजी के लिए आसपास की CCTV फुटेज खंगालना शुरू की, जिसमें आरोपियों का हुलिया पुलिस को मिला। क्राइम ब्रांच पुलिस और आधारताल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आधारताल थाना क्षेत्र के शोभापुर इलाके में यह दोनों युवक एक बाजार डिस्कवर मोटरसाइकिल में खड़े हैं। सूचना पर तत्काल आधारताल थाना पुलिस क्राइम ब्रांच पुलिस ने टीम गठित करते हुए दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट किया हुआ माल भी जब्त किया। पुलिस अब इन आरोपियों से और घटनाओं की पूछताछ जारी है। विदित है पिछले कुछ दिनों आधारताल महाराजपुर एवं पनागर में कमानिया क्षेत्र के आसपास दो चेन स्नैचिंग की वारदात हुई और मुझे लग रहा था कि ये क्रम जारी रहेगा, लेकिन क्राइम ब्रांच और आधारताल पनागर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए तो दो चेन स्नैचर थे, जो दो सगे भाई थे समर साहू और विनोद साहू, जो रामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका अपना अपराध मौजूदा है। उनसे वारदात में जो चेन गई थी रिकवर हो गई है। साथ ही साथ उन्हें दो पुरानी लूट हैं जो जबलपुर और विजयनगर की, जिसमें एक पेंडेंट जो है वो उन्होंने चुराया, वो भी उन्होंने कबूली है और वो भी रिकवर हो गई। कुल मिलाकर 1,00,000 का माल नहीं था जब्त हुआ है। और हमें आशा है कि पनागर आधारताल क्षेत्र में जो चेन स्नैचिंग की वारदात है उनमें लगाम लगेगी। दोनों अपराधियों का 6-6, 10-10 साल पुराने थे और शातिर लुटेरे थे, और फिर अच्छी कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच के गोपाल मंडल CSP अशोक तिवारी हमारे क्राइम ब्रांच के अन्य हमारे अधिकारी कर्मचारी ईसाई राम एवं अन्य इनका इसमें विशेष योगदान रहा है। इसके कार्य के लिए धन्यवाद।